और भाई क्या हाल है आप सबका, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें मैं अनबॉक्स करूंगा, रिव्यू करूंगा एक मच डिमांडेड इलेक्ट्रो अकोस्टिक गिटार एट एन अफोर्डेबल प्राइस रेंज। इस गिटार के लिए मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई है लास्ट ईयर से, तो चलिए फाइनली अब जो है इस गिटार को मैं अनबॉक्स करता हूं और देखते हैं कौन सा इलेक्ट्रो अकोस्टिक गिटार है ये। वाह भाई वाह, डबल पैकेजिंग, वेरी नाइस। तो भाई ये है हाँ, बहुत से लोग इसको पहचान रहे होंगे। और ये जो है, थोड़ा फटाफट पहले खोल लें फिर बात करते हैं। तो ये है केडेंस का अकूस्टिका सीरीज का मॉडल A06, जो कि एक इलेक्ट्रो अकूस्टिक गिटार है और अफोर्डेबल प्राइस पे आता है। यहाँ पे चलो प्राइस की बात मैं अभी कर देता हूँ स्टार्टिंग में। तो इसका जो प्राइस है रफली अराउंड 6500 से 7000 का होता है। अगर आप जो है सेल के दौरान लेते हैं तो इस पे आपको जो है अराउंड 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो ये 6499 का मैंने देखा यूजुअली सेल में होता है, और उस पर अगर आप 10% का डिस्काउंट लेंगे तो अंडर 6000 रुपीज जो है आपको ये गिटार मिल जाता है, विच इज़ अ रियली गुड डील। बाकी जो इस गिटार को मैं ट्यून करता हूँ, इसके जो स्पेक्स है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे स्क्रीन पे, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और साउंड चेक करते हैं इस गिटार का, और बाकी सारी जो बातें हैं वो आगे बात करेंगे इस वीडियो में।
तो साउंड वाइज मेरे को ये गिटार काफी अच्छा लगा। यहाँ पे आपको जो है काफी वेल बैलेंस्ड टोन मिल जाती है। वेल बैलेंस्ड टोन आपको इसलिए मिलती है क्योंकि यहाँ पे जो है आपको एक कट अवे ग्रैंड ऑडिटोरियम बॉडी शेप देखने को मिलती है, और यूजुअली इस तरीके के बॉडी डिजाइन से आपको जो है एक काफी अच्छी बैलेंस टोन सुनने को मिलती है। और यहाँ अगर पिकअप टोन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वही एक टिपिकल पीजो टोन सुनने को मिल जाएगी इस गिटार से। तो ओवरऑल प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे इसकी जो साउंड है काफी अच्छी लगी, चाहे मैं नेचुरल टोन की बात करूँ या पिकअप की टोन की बात करूँ। अब आगे स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है कट अवे ग्रैंड ऑडिटोरियम बॉडी शेप देखने को मिल जाती है। और अगर आप रेगुलर फॉलोअर है मेरे चैनल के तो आपको पता होगा कि मेरे को ग्रैंड ऑडिटोरियम बॉडी शेप जो है काफी पसंद है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शेप्स इन गिटार, क्योंकि इस बॉडी शेप में आपको एक अच्छी टोन भी मिलती है और इसके अलावा आपको जो है काफी कंफर्ट लेवल भी मिलता है इस तरीके की बॉडी शेप से। तो यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस रेंज में दिस इज वन ऑफ द फ्यू ग्रैंड ऑडिटोरियम बॉडी शेप दैट यू कैन गेट। अब बाकी स्पेक्स की बात करें तो इंस्टेंटली अगर आप इस गिटार को देखेंगे तो आपको एक काफी डिफरेंट लुक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये भी एक काफी खास फीचर है इस गिटार का कि यहाँ एस्थेटिक्स पे भी काफी फोकस किया गया है। तो यहाँ पे जो टॉप है वो आपको मिल जाता है लैमिनेटेड एश वुड का, और यहाँ पे जो बैक एंड साइड है वो मिल जाती है जेब्रा वुड की। इसके अलावा यहाँ पे नेक जो है वो बना है महोगनी वुड का, और वो भी आपको सैटिन फिनिश में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे फ्रेटबोर्ड और ब्रिज की बात करें तो वो है इंजीनियर्ड रोजवुड या टेक वुड जो होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं लुक्स की बात करूँ, क्योंकि यही जो एक काफ़ी प्रोमिनेंट फैक्टर है इस गिटार का और काफ़ी लोगों को पसंद भी आता है, तो ये जो एश टॉप है ऑल दो ये लैमिनेटेड है लेकिन देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। एक वो एक्जॉटिक सी लुक देने की कोशिश करी है यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस रेंज में। तो यहाँ पे आपको जो टॉप है वो तो मैट फिनिश का मिलता है, लेकिन यहाँ जो बैक एंड साइड्स हैं वो जो है सैटिन फिनिश की है। इसको थोड़ा ऑयली फिनिश भी बोलते हैं, दिस इज नॉट एग्जैक्टली ग्लॉस फिनिश। तो यहाँ पे जो है जेब्रा वुड का काफ़ी अच्छा टेक्सचर देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया टेक्सचर है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ब्लैक बाइंडिंग दी गई है, फ्रंट में जो है ब्लैक और वाइट बाइंडिंग दी गई है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो है काफ़ी प्रीमियम फील है, काफ़ी प्रीमियम लुक दी है इस गिटार को। तो आप मेरे को बताइए कि आपको इस तरीके की लुक कैसी लगी। यहाँ पे जो नट सैडल और ब्रिज पिंस है वो है प्लास्टिक की, और इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है डाईकास्ट ट्यूनिंग कीज। यहाँ पे अगर पिकअप की बात करें तो आपको केडेंस का स्टॉक पिकअप देखने को मिल जाता है विद टू बैंड इक्विलाइजर एंड बिल्ट इन ट्यूनर। केडेंस की जो गिटार्स है अब इंडिया के अलावा आपको इवन यूएसए और नेपाल में भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस की। तो ये जो पूरा पार्ट है साउंड चेक के बाद वाला वो मैं बना रहा हूँ 2 महीने बाद। तो यहाँ पे इस गिटार के साथ मेरा 2 महीने का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा है। इस गिटार में कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो यहाँ पे ना तो ब्रिज निकला, और ओवरऑल जो सेटअप है वो भी काफ़ी स्टेबल रहा है, जैसा कि पहले दिन था वैसे ही रहा है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं लगी मेरे को। सेटअप के अलावा यहाँ पे अगर मैं ट्यूनिंग की बात करूँ तो यहाँ पे इस गिटार में कोई भी ट्यूनिंग इशू भी नहीं है। तो ओवरऑल आपको एक अच्छा हार्डवेयर यहाँ देखने को मिल जाता है इस गिटार में। बस यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं जो कि मैं चेंज करना चाहूँगा। तो स्ट्रॉक स्ट्रिंग्स जो हैं वो मैं चेंज करना चाहूँगा यहाँ पे, वो थोड़ी सी रफ लगी मेरे को, पर ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस रेंज में जो गिटार्स होते हैं उनमें आपको जो है कोई ब्रांडेड स्ट्रिंग्स यूजुअली देखने को नहीं मिलेंगी। तो आप कुछ टाइम चला सकते हैं, चलाना चाहे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप जो है ब्रांडेड स्ट्रिंग्स लगा के इस गिटार को यूज़ करिए तो आपको और भी मज़ा आएगा। बाय द वे यहाँ पे जो साउंड चेक हुआ था वो मैंने स्टॉक स्ट्रिंग्स के साथ ही किया था। और स्ट्रिंग्स के अलावा यहाँ पे मैं इसके बैग में थोड़े से चेंजेस करना चाहूँगा। ऑल दो ये एक जो है नॉर्मल पैडेड बैग ही है, इसमें जो है आप आराम से गिटार को स्टोर कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, लेकिन ये जो बैग है ये थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि जब मैं इसको स्टोर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो है बैग को स्ट्रेच करना पड़ता है और तब जाके जो है गिटार इसके अंदर आता है। तो ये एक टाइट फिट है बेसिकली। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा चेंज मैं चाहूँगा बैग में, कि ये जो बैग है थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंथ का हो, ताकि थोड़ा सा और रूम हो कि हेडस्टॉक जो है वो कंफर्टेबली फिट हो पाए। तो यहाँ पे जो गिटार है वो एकदम टाइटली आ रहा है इस बैग में। तो ऑल दो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको सपोज इसको घर में रखना है या आसपास कैरी करना है, वॉक करके ले जाना है गिटार, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, टू व्हीलर पे जाते हैं, और अगर ये गिटार गिर जाए तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये जो है एकदम टाइटली पैक्ड है। तो अगर इस तरीके का आपका इंटेंट है कि आप इसको बाहर लेके बहुत फ्रीक्वेंटली जाएंगे या अपना टू व्हीलर यूज़ करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है एक बैग में ज़रूर इन्वेस्ट करें, ताकि गिटार अच्छे से मेंटेन हो। लेकिन अगर आपको घर में स्टोर करना है, घर में ही प्ले करना है, बाहर ज़्यादा नहीं लेकर जाना, तो जो है आप इस बैग को यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही है कि 7,000 रुपीज़ में ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है।
पर्टिकुलरली अगर आप जो है एक इलेक्ट्रोकूस्टिक गिटार लेना चाह रहे हैं अफोर्डेबल प्राइस रेंज में, देन दिस इज अ गुड ऑप्शन। इसके अलावा अगर आपको वो एग्जॉटिक डिफरेंट लुक चाहिए, वो यूजुअल जो कलर्स होते हैं वो आपको अब बोर हो चुके हैं या बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बाकी मेरा ये 2 महीने का एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप में से किसी के पास ये गिटार है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। इस तरीके से जो है सभी को हेल्प मिलती है और सबका जो है एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस शेयर होता है इस कम्युनिटी में, जिससे कि और क्लैरिटी मिलती है कि गिटार लेना चाहिए कि नहीं। तो आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।